हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11th, जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और आज रहेगा बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9th, यानी 9वां व्याख्यान। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने देखा कि आइंस्टीन ने आइंस्टाइन ने क्या किया था बच्चों, 1905 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी और एक प्रकाश वैद्युत समीकरण दी थी। तो आइंस्टाइन ने 1905 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव, बहुत संक्षेप में लिख देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सफल व्याख्या की थी बच्चों। और क्या किया था, जो समीकरण दी थी के मैक्सिमम बराबर हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, जहाँ न्यू आपतित विकिरण की आवृत्ति है या प्रकाश की आवृत्ति है और ये उस धातु की देहली आवृत्ति है। ये आपको पता है न्यू क्या है, आपतित विकिरण की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और रेडिएशन, ठीक है। और न्यू नॉट क्या है, उस धातु का, जिस धातु पर प्रकाश गिराने से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उस धातु का, धातु की देहली तरंग दैर्ध्य, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली तरंग दैर्ध्य दैर्ध्य यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और वी क्या है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों का वेग। तो अधिकतम वेग वाला जो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसका वेग है बच्चों, उससे कम वेग वाले इलेक्ट्रॉन भी वहाँ उपस्थित होंगे जो उत्सर्जित हो रहे होंगे। तो इतना हम पीछे पड़ चुके हैं। अब हुआ क्या था बच्चों, मिल्कन को इस समीकरण की विश्वसनीयता पर संदेह हो रहा था। देखो बच्चे, आज एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाने वाले हैं। मिल्कन को संदेह था, क्यों संदेह था, मिल्कन को डाउट था कि हम इस आइंस्टीन की इक्वेशन को सही कैसे मान लें, उन्हें डाउट था। क्योंकि उस समय तरंग सिद्धांत की, प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाने लगा था, वेव थ्योरी अपनी जड़ जमा चुकी थी बच्चों। क्योंकि कुछ ही वर्षों पहले विवर्तन और व्यतिकरण की सफल व्याख्या कर दी थी, व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण जैसी घटनाओं, प्रकाश वैद्युत घटनाओं या परिघटनाओं की व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा हो गई थी। अचानक प्रकाश वैद्युत की घटना आते ही नया कॉन्सेप्ट फोटोन का, कण का चित्रण दिखाई देने लगा, तो ये बात वैज्ञानिकों को खटक रही थी। तो सन 1906 से लेकर बच्चों 1916 के बीच मिल्कन ने बहुत सारे प्रयोग किए, एक प्रयोगों की श्रृंखला लगा दी, चेन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ये कोशिश की कि हम इस समीकरण को गलत सिद्ध करके दिखाएंगे। अब पता नहीं वैज्ञानिकों में तो बड़ा भाई प्रेम होता है, उनके मन में ऐसा डाउट क्यों हुआ था। डाउट इसीलिए हुआ था बच्चों, क्योंकि कुछ ही वर्षों पहले तक बड़ी कठिनाई से हमने लाइट के कण चित्रण को भूलकर तरंग सिद्धांत से बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या कर ली। अब अचानक प्रकाश वैद्युत प्रभाव आते ही फोटोन आ गया, तो डाउट तो था ही। तो इसकी विश्वसनीयता को चेक करने के लिए मिल्कन ने बहुत सारे प्रयोग किए, उसका एक साधारण सा सेटअप मैंने बना दिया है बच्चों, जिससे इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। ये एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है, लेकिन वास्तविक डायग्राम थोड़ा अलग है, लेकिन समझने में आसानी होगी। अगर आपको वास्तविक डायग्राम चाहिए जैसा था, और मतलब बेटर,
और बेटर इससे, तो वो हम वीडियो के बाद में बना देंगे, लेकिन चूंकि अभी समझाना है तो समझाने के दृष्टिकोण से मैंने ऐसा बना दिया है। तो मिल्कन ने क्या किया था बच्चों वो समझ लें। तो ये पढ़ने से पहले आज हम देखते हैं कि आज क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। मिल्कन द्वारा आइंस्टाइन की प्रकाश वैद्युत समीकरण की सत्यता का परीक्षण, और वो परीक्षण उन्होंने प्लैंक, इस समीकरण में जो एच है बच्चों वो क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, प्लैंक नियतांक है। क्या है? प्लैंक नियतांक। तो एक तरीके से मिल्कन ने इस समीकरण से एच का मान ज्ञात करने की कोशिश की, जिससे कि इस समीकरण की सत्यता चेक हो सके, ठीक है ना। तो एक तरीके से हम आज के इस टॉपिक को, आज का टॉपिक क्या है, मिल्कन द्वारा आइंस्टाइन की प्रकाश वैद्युत समीकरण की सत्यता का परीक्षण, इस टॉपिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिल्कन सॉरी बच्चों स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, मिल्कन्स, आर ए मिल्कन है बच्चों, इनका पूरा नाम क्या है, आर ए मिल्कन्स एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, ऐसे भी कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कुल मिला के परीक्षण हो रहा है आइंस्टाइन की प्रकाश वैद्युत समीकरण का प्रयोगों के माध्यम से। तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों, मिल्कन्स एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, या मिल्कन द्वारा आइंस्टाइन की प्रकाश वैद्युत समीकरण की सत्यता का परीक्षण। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखें बच्चों, मिल्कन ने एक ग्राफ प्लॉट किया प्रयोगों के माध्यम से, उस ग्राफ को यहां समझेंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चों। इस एक्सिस पर उन्होंने ली आवृत्ति न्यू, और इस एक्सिस पर लिया कट ऑफ वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, संस्तब्ध या निरोधी विभव। इससे लिखते हैं बच्चों, पीछे पढ़ चुके हैं, वी नॉट, इस एक्सिस पर लिया। तो उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी की वाइड रेंज के लिए एक्सपेरिमेंट किया, यानी बहुत सारी आवृत्तियों का विकिरण प्रयुक्त किया और देखा कि हमें यहाँ पर कितना वोल्टेज लगाना पड़ता है जिससे कि प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाए। होता क्या है बच्चों, जैसे ये कैथोड है और ये एनोड है, इस पर जब उचित आवृत्ति का विकिरण गिराया जाएगा, इससे फोटोइलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और एनोड की तरफ जाएंगे, परपथ में प्रकाश वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी है, उसका संबंध निरोधी विभव से है, यानी इनमें जो गतिज ऊर्जा है उसके कारण एनोड तक पहुँच रहे हैं, ठीक है, तो उसको रोकना है। ये तो आप फिगर को समझ ही रहे हैं, ये कैथोड, ये एनोड। अब यहाँ पर किया क्या है कि कैथोड को तो पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है और एनोड को पोटेंशियल दिया है नेगेटिव। तो होगा क्या कि जब ये अब वैल्यू बदलेंगे वोल्टेज की, ऋण विभव बहुत कम है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो बहुत कम ऊर्जा वाले होंगे इसके नेगेटिव पोटेंशियल से, वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे। तो जो कम ऊर्जा वाले होंगे, जो कि इसका विरोध नहीं कर सकते उस पोटेंशियल का, नेगेटिव पोटेंशियल का, क्योंकि ऋण विभव इनको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित कण हैं। लेकिन जो उच्च ऊर्जा वाले होंगे वो उस प्रतिकर्षण बल का विरोध करते हुए भी एनोड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन धारा अब कम हो जाएगी क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हो गए। वोल्टेज और बढ़ाया तो उससे थोड़ी और ऊर्जा वाले थे वो भी प्रतिकर्षित हो गए, बहुत ऊर्जा वाले अब भी जा पा रहे हैं, यानी और इलेक्ट्रॉन कम हुए।
क्योंकि यहाँ सभी प्रकार की गतिज ऊर्जाएं होंगी बच्चों। मैंने कल बताया था जीरो से लेके के मैक्सिमम तक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो जीरो से थोड़ी ज़्यादा वाले प्रतिकर्षित हो गए, थोड़ा वोल्टेज और बढ़ाया तो उससे थोड़ी ऊर्जा वाले और प्रतिकर्षित हो गए, थोड़ा वोल्टेज और बढ़ाया तो और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हो गए, करते 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 एक ऐसा वोल्टेज आएगा कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो भी प्रतिकर्षित हो गए, यानी परपथ में बहने वाली धारा हो गई शून्य, यानी कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो ये क्रिया जिस वोल्टेज पर हो रही है वही है बच्चों कट ऑफ वोल्टेज, और उस समय के मैक्सिमम कितना हो जाता है ई वी नॉट, संस्तब्ध विभव। ठीक, अब उन्होंने क्या किया कि आवृत्ति को और बढ़ा दिया, तो आवृत्ति और ज़्यादा बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ गई, तो अब क्या होगा उस करंट को रोकने के लिए, उन इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल इसको देना होगा, क्योंकि के मैक्सिमम पहले यहाँ तक थी, अब आवृत्ति बढ़ा दी तो के मैक्सिमम और बढ़ गई बच्चों जीरो से, तो और ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ा, फिर और ज़्यादा आवृत्ति बढ़ाई, और ज़्यादा आवृत्ति का विकिरण लिया, तो फिर यही क्रम चलता रहा। इसका मतलब जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ा रहे हैं गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है उन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए, जिससे परपथ में बहने वाली धारा शून्य हो जाए, हमें नेगेटिव वोल्टेज जो एनोड को दिया है वो बढ़ाना पड़ रहा है, यानी संस्तब्ध विभव यानी निरोधी विभव यानी कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो जब उन्होंने इन न्यू और वी नॉट के बीच ग्राफ खींचा तो एक सरल रेखा प्राप्त हुई बच्चों, जैसे ये, ठीक है, ये सरल रेखा आई। और उन्होंने ये भी देखा कि इस न्यू नोट आवृत्ति पर हमें कोई वोल्टेज नहीं लगाना पड़ता, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकले तो सही लेकिन गतिज ऊर्जा शून्य थी, कोई वहाँ तक जा ही नहीं रहा, जबकि इसको जीरो वोल्टेज पर रखा है तब भी। अब जैसे ही हमने न्यू नोट से आवृत्ति बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा आ गई, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँचने लगे, अब उनको रोकने के लिए नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ा, थोड़ा सा नेगेटिव वोल्टेज और धारा शून्य हो गई, यानी इतने पर देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ा जीरो से, आवृत्ति और बढ़ा दी इतनी कर दी बच्चों, तो देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ाना पड़ा। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ रही है वैसे वैसे निरोधी विभव बढ़ रहा है। अब इसी ग्राफ की उन्होंने समीक्षा की इस समीकरण के आधार पर कि अगर आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है तो इससे जो ग्राफ आएगा, ये तो एक्सपेरिमेंटली ग्राफ खींच लिया उन्होंने प्रयोग करके, ठीक है बच्चों, प्रयोग करके ये ग्राफ खींच लिया। अब इस समीकरण से देखिए इस समीकरण से क्या होगा, अब इस सेटअप को हटा दें, ये आप समझ गए, और एक अच्छा सा सेटअप बाद में बनाएंगे, ठीक है, तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा है, यहाँ लिखते हैं, ओहो थोड़ा धैर्य रखें बच्चों, यहाँ करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है के मैक्सिमम, उसको रोकने के लिए के मैक्सिमम कितनी है, हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर अभी बताया कितना हो जाएगा ई वी नॉट निरोधी विभव से, तो इस समीकरण में यहाँ ई वी नॉट रखते हैं बच्चों, तो ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, तो देखें ई वी नॉट बराबर कितना आ गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये देखें कांस्टेंट है एच और न्यू नॉट भी कांस्टेंट है। तो यहाँ हमने ग्राफ बी नॉट और न्यू के बीच खींचा है, न्यू नॉट तो ये पर्टिकुलर मान है, किस किस के बीच खींचा है न्यू और यानी बाई एच पर वी नॉट और एक्स एच पर न्यू, तो इसी फॉर्म में लाते हैं इक्वेशन को, तो वी नॉट बराबर एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, ये हो गया। अब देखें इस समीकरण से इसका ग्राफ यही होना चाहिए, कैसे देखें, एक समीकरण पढ़ी है आपने सरल रेखा की समीकरण y बराबर एम एक्स माइनस सी, तो वो क्या होती है बच्चों, ये उस सरल रेखा का समीकरण है जो नेगेटिव बाई एच पर सी अंतः खंड काटता है, यानी ये नेगेटिव सी हो गया, ये अंतः खंड इतना,
ये अंत्यखंड कितना हुआ बच्चों, ये नेगेटिव सी, नेगेटिव सी ये हुआ। और एम क्या होती है, इसकी प्रवणता, यानी इसका जो ढाल है, ढलान है, स्लोप है, प्रवणता है, ये थीटा मान लें तो एम बराबर टेन थीटा, कि झुकाव कितना है, ढलान कितना है रेखा में, ये एम बताता है। ये कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट उस रेखा की प्रवणता हो गई, एम क्या हो गया, प्रवणता। एम को क्या कहते हैं बच्चों, आपको पता है, प्रवणता कहते हैं या ढाल कह देते हैं, ठीक है, यानी स्लोप कह लो या ग्रेडियंट कह लो, स्लोप ग्रेडियंट, ये आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में नाइन्थ में सरल रेखाएं पढ़ी होंगी, वहां पढ़ा होगा। तो अब इससे कंपेयर करिए, देखिए बाई एच पर बी नॉट है तो बाई एच पर बी नॉट हो गया, एक्स एच पर न्यू है तो एक्स पर न्यू हो गया, एक्स पर न्यू यानी एक्स की जगह न्यू है, तो इससे तुलना करें। और सी कांस्टेंट है और यहाँ ये सब कांस्टेंट है, देखो ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट, धातु की देहली आवृत्ति कांस्टेंट, एच प्लैंक नियतांक, नियतांक नाम से ही पता लग रहा है कांस्टेंट, तो ये सी की जगह हो गया। इससे कंपेयर करें तो क्या पता लग रहा है कि अगर इस रेखा को आगे बढ़ाएं तो ये जो अंतःखंड कटा बच्चों यहाँ तक, ये सी की जगह कितना हो गया, माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। अब इसको बच्चों माइनस लिखो या मत लिखो, पता लग रहा है कि नीचे ही है, माइनस यहाँ लिखें या ना लिखें। और एच न्यू नॉट बच्चों क्या होता है, कार्य फलन, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यही वैल्यू, चलो बाद में लिख देंगे। तो ये आया, ये अंतःखंड इतना। तो देखें आइंस्टीन की समीकरण से ही तो कंपेयर कर रहे हैं, अब ये समीकरण का ग्राफ बिल्कुल यही हो गया, न्यू नॉट ये जो एक्स एच पर अंत है खंड कटा वो न्यू नॉट हो गया। तो अब यहाँ देखें कि जो एच अपॉन ई है वो एम की जगह है, यानी प्रवणता, यानी इसकी ढलान कैसे निकालेंगे बच्चों, इस ग्राफ की ऐसे बना दूँ मैं, जैसे ढलान कैसे निकालते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ से खींचा, एक परपेंडिकुलर यहाँ से खींचा, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है, इसको मैंने डाल दिया ए बी सी, ए बी और दिख रहा है आपको भी बी और ये पॉइंट सी, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ जो ढलान आया वो एम की जगह कितना है, यानी प्रवणता, एम बराबर, एम की जगह यहाँ एच बटे ई है वो बाद में लिखेंगे, टेन थीटा होती है। और इस चित्र से जब प्रवणता निकालेंगे तो लंब बटे आधार यानी बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी आएगी, और यहाँ से एम है कितना, एच अपॉन ई, यही तो आया। तो अगर हम इसकी ढलान या ढाल या प्रवणता निकाल लें, वो इससे निकाल लेंगे, इसे नाप के और इसे नाप के, तो प्रवणता कितनी आ गई, h बटे e, और ये हमने कैलकुलेट कर ली है, प्रवणता बराबर h बटे e आ गई, जो कि हमने यहाँ से हल कर ली बच्चों, ग्राफ खींचा, इनकी वैल्यूज निकाली, सॉल्व कर ली, प्रवणता सॉल्व हो जाएगी। अब h निकालना है, तो h बराबर e इंटू वक्र की प्रवणता, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर V नॉट न्यू कर्व है, कौन से वक्र की प्रवणता है, ये न्यू V नॉट ग्राफ, जो न्यू और V नॉट के बीच खींचा गया है, उसकी जो ढलान आएगी, जो ढाल आएगी, उसमें अगर E का गुणा कर दें तो कितना मिल जाएगा, H। E का मान पता था बच्चों उस समय, और इस ग्राफ की प्रैक्टिकली इस ग्राफ को खींच के प्रवणता कैलकुलेट कर ली, उसकी वैल्यू में ई का मल्टीप्लाई किया, तो हल हो के मिल्कन, जो मिल्कन ने जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड आई बच्चों। देखिए कमाल की बात, बिल्कुल सही मान आया, बहुत नज़दीक आया, जो उस समय तथ्य अन्य
प्रयोगों के संदर्भ में हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का मान प्राप्त था उसी के बहुत नज़दीक आ गया, 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड के। तो भाई आया तो इसी समीकरण से, आइंस्टीन की समीकरण से, और वो अन्य संदर्भों में जितना होता है उतना ही आया। तो चले थे मिल्कन के समीकरण को गलत करेंगे, हो गई सही सिद्ध भाई उसी समीकरण से, और उन्होंने जो प्रयोग किया उसी लाइन से मैच करा के एच की वैल्यू निकाली और सही आई। इसका मतलब ये इक्वेशन शत प्रतिशत सही मानी गई और मोहर लग गई कि आइंस्टीन की समीकरण सही है। और इसी के लिए बच्चों फिर 1921 में, बाद में लिख देंगे, आइंस्टाइन को 1921 में नोबल पुरस्कार मिला था। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, इस अगर आपको न्यूमेरिकल मिल जाए तो एक कोई वक्र दिया हो तो उसकी प्रवणता निकाल के उसमें ई का गुणा कर देंगे तो प्लैंक नियतांक निकल आएगा। और इधर देखें, उस अंतःखंड में अगर ई का गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एच न्यू नॉट जो होता है कार्यफलन। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे देखो। इसको याद रखना आप इस बात को, ये एक तरीके से सूत्र हो गया, लेकिन ध्यान रखना ग्राफ न्यू और बी नॉट के बीच ही खिंचा हो। इसको एक सूत्र के रूप में ले लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें फिर कार्यफलन कैसे निकालेंगे वो और बताऊंगा अभी। तो बच्चों जो नेगेटिव बी नॉट अक्ष है, नेगेटिव बी नॉट अक्ष पर कटा अंतःखंड इंटरसेप्ट बराबर कितना है, एच न्यू नॉट अपॉन ई। तो एच न्यू नॉट कितना आ गया, ई इंटू, शॉर्ट में लिख दें अंतःखंड। पूरी बात क्या है, इस अक्ष पर जो अंतःखंड कटा है वी नॉट, नेगेटिव वी नॉट अक्ष पर, इधर नेगेटिव वी नॉट है ना, मतलब ऋणात्मक बाई अक्ष पर है, बाई अक्ष भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा, ई इंटू अंतःखंड, तो क्या मिल जाएगा, एच न्यू नॉट, और वो क्या होगा, कार्यफलन W। तो W बराबर ई इंटू अंतःखंड, अर्थात कार्यफलन बराबर, ये W ही तो हो गया, कार्यफलन निकालना है तो अंतःखंड में ई का गुणा कर देंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट को निकालना है तो प्रवणता में ई का गुणा कर देंगे, ठीक है। कार्यफलन बराबर, ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों, ई इंटू अंतःखंड, ये ध्यान रखना अंतःखंड कौन सा, एक अंतःखंड एक्स अक्ष पर भी है उसकी बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है अंतःखंड, वो बात मैंने एक बार में लिख दिया, बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो इससे हम कार्यफलन कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, W निकल आएगा। क्लियर हुई बात, तो बच्चों समीकरण सही साबित हो गई प्रकाश विद्युत प्रभाव की, और जो कॉन्सेप्ट था फोटोन वाला वो भी प्रमाणित हो गया इस प्रयोग के बाद। इसीलिए सन 1921 में आइंस्टाइन को, शॉर्ट में लिख देते हैं, आइंस्टाइन को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। और इस सराहनीय काम के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण जो थी आइंस्टीन की उसकी पुष्टि के लिए और उन पर किए गए प्रयोगों के लिए, और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान भी निकाला था मिल्कन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, इन दोनों कामों के लिए 1923 में मिल्कन को भी नोबेल पुरस्कार मिल गया। मिल्कन को भी नोबेल पुरस्कार मिला बच्चों। मिल्कन को भी नोबेल पुरस्कार मिला किस किस के लिए, ध्यान रखेंगे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसके लिए, और ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया था,
मूल आवेश ई का मान ज्ञात किया था, मूल आवेश ई का मान ज्ञात कर, संक्षेप में लिख रहे हैं, सुन तो रहे हैं आप, इसका मान ज्ञात किया और प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो परीक्षण किया गया के परीक्षण के लिए तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर मोहर बच्चों पूरी तरीके से कब लगी, जब मिल्कन ने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इसको सही साबित कर दिया उस काम के लिए। और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग के द्वारा मूल आवेश ई का मान ज्ञात किया, इन दोनों महत्वपूर्ण प्रयोगों के लिए, कार्यों के लिए मिल्कन को 1923 में नोबेल पुरस्कार मिल गया और आइंस्टीन को 1921 में इस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए, एक सफल व्याख्या के लिए जो कि तरंग सिद्धांत नहीं कर पा रहा था। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना। अब मैं ये बता रहा था कि जो वास्तविक में जो सर्किट मैंने अभी समझाने के लिए बना दिया था, अगर थोड़ा और उसको थोड़ा और विस्तृत करें तो वो कैसे बनेगा, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों एक्चुअली था क्या कि उन्होंने तीन धातुओं पर यह प्रयोग किया था। अच्छा एक बात और बता दूं बच्चों, जैसे अभी जो ग्राफ आया था आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, न्यू और इधर वी नॉट, किसी एक धातु के लिए तो ये आ गया, अब उन्होंने दूसरी धातु के लिए किया तो ग्राफ दूसरी जगह से स्टार्ट हुआ, यानी दूसरी धातु की देहली आवृत्ति अलग थी, न्यू ओ वन इसकी, न्यू ओ टू ये ए धातु, ये बी धातु, तीसरी धातु की न्यू और अलग थी, न्यू ओ यानी अलग, भिन्न भिन्न धातुओं की देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, लेकिन ये सब समांतर थी, यानी सबकी स्लोप ढलान थीटा सबका कैसा था बच्चों, समान था। जब थीटा समान था बच्चों इसका मतलब एच इससे निकालें चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, एच बराबर ई इंटू ढलान अभी बताया था, तो सब समांतर हैं, सबकी ढलान समान है और एच बराबर है कितना, ई इंटू ढलान यानी प्रवणता वक्र की। तो जब सबकी प्रवणता समान है, ई का मान तो कांस्टेंट होता ही है, तो सबका एच, ये नहीं किसी एक धातु के लिए आइंस्टीन की बात सही हो गई, तो ये भी ध्यान रखेंगे वो वक्र कैसे आते हैं समांतर। तो चलिए इस बात का ध्यान रखना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब मैं उस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था बच्चों, तो अब चूँकि वहाँ समझाना था इसलिए वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपको, लेकिन समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ एक सिंपल साई बनाऊंगा, फिर भी बच्चों थोड़ी सी रूबरू, थोड़े से रूबरू हो जाएं उससे, सॉरी बच्चों, यहाँ विंडो, जल्दी से बना देते हैं, वीडियो लेंदी होता है बच्चों। यहाँ एक ड्रम था बच्चों, ड्रम, ठीक है, एक ड्रम, इस ड्रम को घुमाया जा सकता था और इस ड्रम पर उन्होंने तीन धातुओं के सिलेंडर लिए, छोटे से बना देता हूँ मैं, एक सिलेंडर जैसे यहाँ लिया, ये एक धातु का है, एक सिलेंडर उन्होंने यहाँ लिया, एक सिलेंडर यहाँ, सिलेंडर हैं बच्चों एक तरीके से, ये धातु के हैं, इन्हीं पर फोटोन को गिराया जाएगा, यहाँ इनकी सतह को साफ करने के लिए नाइफ होता है, ये के क्या है बच्चों, नाइफ सार पेज है, इससे इनको साफ कर देते हैं इनकी सरफेस को, थोड़ा सा इधर को बना, ये सिलेंडर है, ये क्या हुआ बच्चों, ड्रम, इस ड्रम पर ये तीन सिलेंडर लगे हुए हैं,
तो इनको घुमाया जा सकता है। और ये तीनों अलग अलग धातुओं के होंगे, जैसे एक सोडियम का होगा बच्चों, अरे यहाँ क्यों लिख रहे हैं, बाद में लिख देंगे, पहले सर्किट ही बना लें। तो ये बच्चों कैथोड का काम करेंगे सी, इन पर क्या किया जाएगा, प्रकाश गिराया जाएगा, जैसे फोटोन आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इधर एनोड होगा, इस पर एनोड की तरफ को आकर्षित होंगे ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निकलेंगे उत्सर्जित होके और किधर आएंगे, इधर, और धारा बहने लगेगी, इस तरीके से था। तो ये तीनों अलग अलग धातुओं के हैं, जो सी हैं, ये जो तीनों हैं वो अलग अलग धातुओं के हैं, जैसे एक सोडियम का है, एक लिथियम का है, एक पोटेशियम का है, तो भिन्न भिन्न धातुओं पर प्रयोग किए थे। तो पहले कैथोड, पहले सोडियम को इधर कर लिया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, यानी प्रकाश इस पर गिर रहा है, अब यहाँ से विकिरण आ रहा है विंडो W से, समझना बात को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होगी और इस एनोड से आकर्षित कर लिए जाएंगे। तो ये व्यवस्था थी, फिर इसे घुमा के इसको इसके सामने कर दिया, दूसरी धातु को, जैसे अभी सोडियम था, फिर पोटेशियम, फिर लिथियम, तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया था। और बाकी का सर्किट तो बच्चों आपको पता है ही, अब तो उनको कनेक्ट करना है नीचे, वो आप कर सकते हैं, जैसे एनोड को अभी बताया हमने नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा था इस एनोड को, और वेरिएबल वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं बच्चों। लेकिन चूंकि वहाँ समझाना था इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, एक तरीके से ये कलेक्टर हुआ बच्चों, क्या हुआ, कलेक्टर, संग्राहक, संग्राहक। वैसे देखोगे तो ये नेगेटिव से जुड़ा है तो कैथोड भी कह सकते हैं इसको, पॉजिटिव से जो जुड़ा है उसको एनोड कह सकते हैं, तो उस चक्कर में मत पड़ो, इलेक्ट्रॉनों के चक्कर में मत पड़ो, वो तो नाम होते हैं जैसे जोड़ देते हैं, ऐसे कह सकते हो कि संग्राहक और ये उत्सर्जक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, एमीटर, ऐसे नाम देना ज़्यादा बढ़िया रहता है, एमीटर, EMITER, ठीक है ना बच्चों, बात समझ रहे होंगे, उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। ये तो ड्रम बना ही दिया अंदर वाला, और ये मेटल्स के, ये धातु के बेलन हैं जिन पर प्रकाश गिराया जाएगा, कुंजी और लगा लो बच्चों जब परपथ बनाते हो तो। ये विंडो है, यहाँ से लाइट आ रही है, रेडिएशन गिराया जा रहा है, भिन्न भिन्न आवृत्तियों का गिराया जाएगा बच्चों। तो ये भी एक मैंने कोशिश की है सिंपल सा डायग्राम बनाने की, जिससे कि आप समझ सकें कि मिल्कन ने क्या किया था, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों, इस चैप्टर का जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाला पोर्शन था वो समाप्त हो गया बच्चों। आज के इस लेक्चर के साथ हमने बहुत कुछ सीख लिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में, और अब इस टॉपिक से रिलेटेड अब तक जितना पढ़ा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, कल उनको कराएंगे। तो कल अब तक जो पढ़ाया है उसका रिवीजन करके आइए, जिससे कल न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो, और अपनी NCERT की बुक लेके आइए। मैंने देखा था उसमें 10-11 क्वेश्चन स्टार्टिंग के प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर आधारित हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को कराएंगे, फिर इस चैप्टर के दूसरे पोर्शन पर आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड बच्चों, इस शोर को कम हो जाने दो। तो फिर अगले पोर्शन पर बढ़ेंगे, दो पोर्शन में है ये, अभी तक ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की बात हुई, अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात करेंगे। चैप्टर का नाम क्या था, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो अब तक हमने क्या समाप्त कर लिया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ये समाप्त कर लिया। इसी में हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना पढ़ी, और अब स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल के बाद, पहले इसके न्यूमेरिकल कर लें, फिर आगे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है बच्चों। तो कल क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, तो कॉपी पेंसिल लेके आइए, NCERT बुक लेके आइए, और
तब फिर न्यूमेरिकल्स को देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल उस न्यूमेरिकल्स के साथ, उन न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।